तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मैक प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, तो एक थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम क्या है, कि जब आपका मीडियम शेयर्ड है और उस मीडियम को मोर देन वन नोड एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे बस टॉपोलॉजी का एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे नोड एक जो मेन बैकबोन केबल है उसे शेयर करते हैं। तो अगर उनको डेटा ट्रांसमिशन करना है तो सारे नोड्स का डेटा ट्रांसमिशन उसी केबल के थ्रू होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आपको आपका क्लासरूम है और क्लासरूम में आपको बोलना है, तो चूंकि जब क्लासरूम में एक बोल रहे हैं तो जो मीडिया सब लोग बोल सकते हैं एक साथ, कोई भी कभी भी बोलना स्टार्ट कर सकता है ना। सो अगर क्लासरूम में जो स्पीकिंग का जो हैबिट है, लोगों का जो स्पीकिंग है, उसे अगर मैं रेगुलेट ना करूँ एज ए टीचर, तो क्या होगा, क्लास में कियोस्क क्रिएट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ भी अगर देखें, हमारी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें जो मीडियम है वो शेयर्ड मीडियम है एक तरीके से। तो अगर सब लोग एक साथ आप लोग बोलेंगे तो क्या होगा, कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो अगर किसी को बोलना है तो क्या होगा कि एक बार में कोशिश की जाएगी कि ऐसा मैकेनिज्म खोजा जाए कि जिससे एक ही व्यक्ति एक साथ बोले, है ना। तो इस केस में तो सारे कम्युनिकेशन को मैं रेगुलेट कर रहा हूँ। जैसे आप में से अगर किसी को बोलना है तो एक सिंपल प्रोटोकॉल ये है कि पहले वो हैंड रेज करे, हैंड रेज करेगा तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा, और अगर मैं चाहता हूँ कि वो बोल पाए, मैं उसे परमिशन देता हूँ, देन आप में से कोई भी अपनी बात कह सकता है ना। लेकिन अगर एक साथ दो लोग बात कहेंगे अपनी, तो फिर क्या होगा कि दोनों का सिग्नल कोलाइड करेगा और कोई भी मैसेज जो मेरे पास आना है वो नहीं आ पाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉलिजन। सो सिमिलरली कई सारे नेटवर्क्स में जो मीडियम है वो शेयर्ड मीडियम होता है, और कई बार जो ट्रांसमीटर नोड्स हैं वो उस मीडियम को यूज करना चाहते हैं। ओके इसलिए आपको उस मीडियम के यूज को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि तो अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मीडियम शेयर्ड है, कभी कभी हम उसे ब्रॉडकास्ट मीडियम भी बोलते हैं, तो शेयर्ड मीडियम में एक साथ दो लोग अगर डेटा ट्रांसमिशन कर देंगे तो दोनों का ट्रांसमिशन का जो सिग्नल है वो मिक्स हो जाएगा और फिर कोई भी फ्रूटफुल कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये बहुत नेसेसरी होता है नेटवर्क्स में कि अगर मीडियम शेयर्ड है तो उस मीडियम को रेगुलेट किया जाए। ओके, तो हमेशा जब भी मीडियम में लोग कम्पीट करते हैं तो अगर एक क्वेश्चन रेज होता है वो है हु विल ट्रांसमिट नेक्स्ट, कौन ट्रांसमिट करेगा, तो इसका जवाब आपका मैक प्रोटोकॉल ढूंढता है। ओके, सो मैक प्रोटोकॉल क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है रेगुलेशन एक तरीके से। तो मैक प्रोटोकॉल अलग अलग तरीके के आर्बिट्रेशन अप्लाई करता है और उसके बेस पर डिसीजन होता है कि कौन ट्रांसमिट करेगा। सो मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, और आपने आपको ये नेटवर्किंग की क्लास में याद होगा कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल डेटा लिंक लेयर पर परफॉर्म होता है। तो आपकी एक्चुअली डेटा लिंक लेयर जो है दो सब लेयर्स में बटी होती है। तो एक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो IEEE 802.3 अगर स्टैंडर्ड आपने ध्यान दिया हो, पढ़ा हो, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि IEEE ने मैक लेयर को, सॉरी डेटा लिंक लेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली लेयर कहलाती है मैक लेयर, ओके, और दूसरी लेयर होती है लॉजिकल लिंक लेयर। सो लॉजिकल लिंक लेयर में लिंक लेयर के ऐसे कॉमन फंक्शन जो सारे टाइप के लिंक लेयर्स में होंगे, चाहे वो लिंक लेयर वाईफाई बेस्ड हो, दैट मीन्स वायरलेस हो, चाहे ब्लूटूथ बेस्ड हो, चाहे RF बेस्ड हो, या माइक्रोवेव बेस्ड ट्रांसमिशन हो, या कोई और तरीके का ट्रांसमिशन हो, तो लिंक लेयर सबके लिए कॉमन होगी। ओके, सो लिंक लेयर में एक्चुअली क्या किया गया है कि डेटा लिंक लेयर के जो कॉमन फंक्शन है, जो सारे डेटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजीज के लिए होंगे, वो सबके लिए कॉमन है, तो वो लॉजिकल लिंक लेयर में आप रख दिए गए। और बाकी के जो फंक्शन, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, वो एक्चुअली अलग अलग नेटवर्क में वेरी कर सकता है, तो वो नेटवर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। तो मैक लेयर अलग अलग हो सकती हैं हर नेटवर्क में, लेकिन लॉजिकल लिंक लेयर सेम होती है। ओके, तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क में मैक लेयर कैसे काम करती है। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क में आपने देखा होगा कि मैक लेयर के क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम इन्हें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आई विल जस्ट स्पीक आउट एनर्जी एफिशिएंसी, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी ही सेंसर नेटवर्क में, तो एनर्जी एफिशिएंसी सबसे ऊपर की रिक्वायरमेंट है। देन लेटेंसी, थ्रोपुट, फेयरनेस, लो ओवरहेड, बैंडविथ एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो ये कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं
जो हम चाहते हैं कि WSN का जो मैक लेवल का प्रोटोकॉल है वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। तो ओबियसली सारी प्रॉपर्टीज तो एक साथ सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आपको देखना होगा कि आपका जो भी प्रोटोकॉल है वो आपके नेटवर्क के लिए कितना सूटेबल है, तो आपको वो ट्रेड ऑफ पता करना पड़ेगा और देन आप चूज कर सकते हैं कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल। इसके बाद जैसे चूंकि सेंसर नेटवर्क में एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैक लेयर प्रोटोकॉल आपका एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी एफिशिएंसी को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कौन कौन से फंक्शंस जो है ना या कौन कौन सी इवेंट्स अफेक्ट करती हैं, वो वी नीड टू सी। तो पहला है कोलिजन। ओबियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक लेयर अगर परफेक्ट नहीं है, मैक लेयर अगर परफेक्टली काम नहीं कर रहा है, तो ये हो सकता है कि एक साथ दो लोगों को ट्रांसमिशन की परमिशन मिल जाए। तो इस केस में दोनों का जब ट्रांसमिशन होगा तो कोई भी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, तो हम इसे बोलते हैं कॉलिजन होना। तो कॉलिजन अगर होंगे आपके मैक लेयर प्रोटोकॉल में ज़्यादा, तो एनर्जी कंज्यूम होगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो भी मैक लेयर प्रोटोकॉल आप इस्तेमाल करें सेंसर नेटवर्क में, तो वो कॉलिजन कम से कम अलाउ करे, दैट मीन्स उसकी वजह से कॉलिजन कम से कम हो। ओवर हीयरिंग दूसरा है। ओवर हीयरिंग का मतलब होता है कि पैकेट एक नोड के लिए नहीं है, तो एक नोड जिसने पैकेट रिसीव किया है वो नोड, वो पैकेट उसके लिए नहीं है फिर भी उसने रिसीव कर लिया है, दिस इज़ कॉल्ड ओवर हीयरिंग। ओवर हीयरिंग भी ओब्वियसली एनर्जी वेस्टेज का कारण है कि अगर एक नोड जिस ऐसे पैकेट्स को रिसीव कर रहा है या ऐसे कम्युनिकेशन को लिसन कर रहा है जो उसके लिए नहीं है, तो दैट विल बी ओवर हीयरिंग। एंड पैकेट ओवर हेड, आइडियल लिसनिंग, ओवर एमिटिंग, ये सब क्या है कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको टैकल करना होता है। देन क्लॉक ड्रिफ्ट, क्लॉक ड्रिफ्ट भी एक इशू है जो कि आपके मैक प्रोटोकॉल में कई बार आपको सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और क्लॉक ड्रिफ्ट होने की वजह से सिंक्रोनाइजेशन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्लॉक ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि एक्चुअली ज़्यादातर जो क्लॉक्स इस्तेमाल होती हैं नोड के पास, जो नोड होते हैं सेंसर नेटवर्क के, वो जो क्लॉक यूज करते हैं तो वो क्लॉक क्वार्टज ऑसिलेटर पर बेस्ड होती हैं, वो ऑसिलेटर्स के बेस पर अपना टाइम काउंट करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि ये जो ऑसिलेटर्स हैं इनकी एफिशिएंसी या इनकी जो वर्किंग की कैपेसिटी है ये एज के साथ कम हो जाती है, अफेक्ट करती है, टेम्परेचर की वजह से अफेक्ट करती है, कई बार मैग्नेटिक फील्ड अगर आप आसपास है या मैकेनिकल वाइब्रेशंस हैं उनकी वजह से भी वो अफेक्ट कर सकती है। तो क्लॉक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हो सकता है कि जो आपके सेंसर नेटवर्क की क्लॉक्स हैं वो स्लो या फास्ट हो सकती हैं, और जब नेटवर्क की क्लॉक अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे तो ओबियसली सिंक्रोनाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। देन ये कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थे, हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ अब आते हैं हम आगे। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सेंसर नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो दो तरीके के प्रोटोकॉल हैं मैक के लिए। इवन किसी भी नेटवर्क टेक्नोलॉजी में बेसिकली दो तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं। पहला है कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल। तो कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल का मतलब है कि जहाँ पे आपका शेयर्ड मीडियम है और लोग कम्पीट कर रहे हैं उसके लिए, मीडियम को एक्सेस करने के लिए एक कंपटीशन है उनके बीच में, और उस कंपटीशन के बेस पर जो भी विनर है कंपटीशन में वो चैनल को ग्रैब कर लेता है। तो इस तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो आपको याद होगा कि अलोहा, याद है पिछली क्लास के नेटवर्किंग में हमने पढ़े थे अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, देन CSMA, CSMA CD एंड देन CSMA CA जो कि आपका IEEE 802.11 में इस्तेमाल होता है। ये सारे प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें नोड क्या करते हैं, कंपीट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के प्रोटोकॉल होते हैं, तो आपस में एक दूसरे से कंपीट करके कोलैबोरेट करके चैनल का एक्सेस अचीव करते हैं। तो कंटेंशन बेस्ड जो मैक प्रोटोकॉल्स हैं उसके अगर आप देखें तो CSMA जो प्रॉपर्टी जब वो है कि CSMA बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के होते हैं, लेकिन इनके साथ क्या है कि चूंकि नोड में कंटेंशन हो रहा है, कोई रेगुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है या रेगुलेट करना नोड को बहुत आसान काम नहीं है, तो ओब्वियसली कोलिजन्स होते हैं। इसके साथ साथ इसमें ओवर हेयरिंग और आइडियल लिसनिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओवर हेयरिंग कैसे आएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब आपको ट्रांसमिशन मिलने वाला है, तो हो सकता है कि नोड जो ना एंटीना कुछ ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा समय तक ऑन रखें, या आइडियल लिसनिंग नोड केवल लिसन कर रहा है कंटिन्यूसली क्योंकि इट इज़ मे बी वेटिंग फॉर सम ट्रांसमिशन, केवल से कुछ ट्रांसमिशन मिलने वाला है इसलिए वो वेट कर रहा है। तो
तो आइडियल लिसनिंग और ये सब प्रॉब्लम्स जो आपके कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल में हो सकते हैं। दूसरे टाइप के जो प्रोटोकॉल हैं वो है शेड्यूल बेस्ड मैक प्रोटोकॉल। तो शेड्यूल बेस्ड मैक प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आप वेरियस तरीके से नोड्स को एक टाइम शेड्यूल बता दिया जाता है कि आपको ट्रांसमिशन का मौका इस टाइम में मिलेगा, आपको इसी टाइम में इस टाइम में मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको क्लास में प्रेजेंटेशन कराने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए आपको शेड्यूल बना करके दे सकता हूँ। कहूँगा कि सुबह 10 से 10:30 तक एक ग्रुप वन प्रेजेंट करेगा, देन 11:30 से 12:30, 11:30 से 12 या समथिंग, ये एक टाइम मैंने बता दी, उसमें कहा कि ग्रुप टू प्रेजेंट करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको गैप रखा है दो प्रेजेंटेशन के बीच में, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि कुछ गैप हो, तो कंटिन्यूस भी हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है, आप मैंने एक शेड्यूल बना दिया और आपसे कहा कि इस शेड्यूल के बेस पर आपको अपने प्रेजेंटेशंस करने हैं। तो जब आपको शेड्यूल एक बना करके दे दिया गया है, तो अब ऑब्वियसली एक ही टाइम पर दो ग्रुप, अलग अलग ग्रुप ट्रांसमिट अपना और प्रेजेंटेशन करने नहीं आ पाएंगे, है ना, क्योंकि सबको एक फिक्स शेड्यूल दे दिया गया है। तो शेड्यूल बेस्ड मैक प्रोटोकॉल में क्या होता है, एक शेड्यूल बना दिया जाता है और सारे नोड्स फिर उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, और जब नोड शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली कोलिजन नहीं होगा। ओके, तो शेड्यूल बेस्ड मैक प्रोटोकॉल की जो खासियत है वो क्या है कि इनमें कोलिजन बहुत मिनिमम होता है, कम से कम चांसेस होते हैं कोलिजन होने के, और या समटाइम्स वो कोलिजन फ्री भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि एक शेड्यूल बना दिया गया है। नाउ आप देख रहे थे, इसमें समटाइम्स शेड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल में एक अथॉरिटी रिक्वायर्ड होती है जो एक शेड्यूल तय करती है। अगर कोई अथॉरिटी नहीं है तो हो सकता है नोड मिल करके डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में कम्युनिकेशन करके शेड्यूल बनाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के प्रोटोकॉल्स अगर हैं शेड्यूल बेस्ड वाले, तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे एंड देन दे मे एग्री ऑन ए शेड्यूल, एक शेड्यूल वो अपने लिए बना सकते हैं मिलजुल करके। जैसे अगर आपको मैं कह दूँ कि प्रेजेंटेशन आपको डिसाइड करना है कि कौन को कब देना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने बैठा, आपने मीटिंग की है और मीटिंग के बाद डिसाइड किया कि ग्रुप वन इतने टाइम पर प्रेजेंटेशन देगा, ग्रुप टू इतने टाइम पर देगा एंड सो ऑन। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखें कि बेसिकली दो तरीके के मैथ प्रोटोकॉल हैं, कंटेंशन बेस्ड जहाँ पर कंप्लीटली कंपटीशन है नोट्स के बीच में, दूसरा शेड्यूल बेस्ड। शेड्यूल बेस्ड में कोई कंपटीशन नहीं है, स्लॉट्स फिक्स हैं, आपको अपने अपने स्लॉट्स दे दिए गए हैं और आप उन्हीं स्लॉट्स में ट्रांसमिशन कर सकते हैं। समटाइम्स इन दोनों का पीपल हैव डेवलप्ड सम प्रोटोकॉल्स जो दोनों के हाइब्रिड हाइब्रिड दोनों को हाइब्रिड करके बनाए गए हैं। दैट मीन्स दोनों दोनों टाइप की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको जो है मिक्स कर दिया गया है, और इस तरीके से जो प्रोटोकॉल्स बनते हैं उनको हम हाइब्रिड प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो हाइब्रिड प्रोटोकॉल में क्या होगा, पहले कंटेंशन, लेट से एक कंटेंशन हुआ, कंटेंशन में आप जो है ना नोड्स को चैनल को ग्रैब करने के लिए कंपीट करने दे रहे हैं, और जब वहाँ वो कंपटीशन में जब कंपटीशन ख़त्म होगा तो अल्टीमेटली एक नोड या जो भी सेट ऑफ नोड्स हैं उनको अपने टाइम अलोकेट हो जाएंगे और फिर बाद में वो उसमें ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि बाद में फिर कोई भी कोलिजन या डिस्टर्बेंस नोड्स को नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले उनको बीच में कंपटीशन कराया, कंपटीशन के बाद एक या दो नोट्स या जो भी नोट्स एन नंबर ऑफ नोट्स विनर हुए और उनका एक अपना एक शेड्यूल हो गया। जैसे एक एग्जांपल प्रोटोकॉल है कि आप क्या आप ये काम कर सकते हैं कि हर नोड के पास अपनी एक आईडी है, तो जो जो नोड ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो एक फिक्स टाइम में वो सब लोग अपनी आईडी ट्रांसमिट करें, और आपने एक सिंपल रूल बना दिया कि जिसकी आईडी हायर नंबर होगी वो विनर हो जाएगा। तो लेट से चार नोड उन्होंने चार नोड जिनको ट्रांसमिशन करना था, तो वो कंटेंशन पीरियड में गए, कंटेंशन पीरियड में चारों ने अपनी इच्छा जाहिर की ट्रांसमिशन की, लेकिन जिसका जो उन चारों में से जिसका आईडी का जो नंबर होगा वो हाईएस्ट है वो विनर हो जाएगा, बाकी के तीन साइलेंट रहेंगे और फिर वो विनर ट्रांसमिट करेगा और फिर अगली बार फिर से कंटेंशन फेस आएगा। तो जो हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स हैं उसमें दो फेसेस कंटिन्यूसली चलते हैं, कंटेंशन पीरियड देन ट्रांसमिशन, कंटेंशन पेज ट्रांसमिशन, कंटेंशन पेज ट्रांसमिशन एंड सो ऑन, इस तरीके से काम होता है। ओके, सो बेसिकली दो तरीके के कैटेगरीज हैं। नाउ हम इसमें से केवल कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे, शेड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सो मैं उस पर नहीं जाऊंगा।
कोई क्वेरी है अभी आपकी? समबड़ी है क्वेरी? अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। हेलो, सुन पा रहे हैं ना आप लोग मुझे? ठीक यस सर, है, तो मैं कंटिन्यू करूँ, मतलब कोई क्वेरी नहीं है? चलिए हाँ सर, ठीक है। सो अब हम लोग एक कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल डिस्कस कर रहे हैं। तो एस मैक प्रोटोकॉल है, दो सेंसर नेटवर्क के लिए, इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर प्रोटोकॉल्स। सो एस मैक के फुल फॉर्म है सेंसर मैक, एस फॉर सेंसर, मैक फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो प्रोटोकॉल है, इसमें क्या होता है कि जो टाइम है उसे स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। टोटल जो टाइम है उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अलोहा प्रोटोकॉल, तो अलोहा प्रोटोकॉल में भी क्या होता था कि टाइम को हम स्लॉट्स में डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ भी टाइम इज ऑल्सो कंसिडर्ड डिवाइडेड इंटू स्लॉट्स। नाउ यहाँ पे स्लॉट्स कैसे हैं? दो तरीके के स्लॉट्स हैं। पहला है लिसन स्लॉट, जो आप देख रहे हैं। तो एक लिसन स्लॉट होगा। लिसन स्लॉट्स में नोड क्या करते हैं? सारे नोड अलर्ट रहते हैं, अलाइव रहते हैं, जागते हैं और सुनते हैं कम्युनिकेशन अपने नेबर्स का। देन इसके बाद एक अलग स्लॉट आएगा जिसे हम बोलते हैं, आई शुड हैव यूज अनदर कलर बट ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल पुट ए मार्कर हियर। ओके, सो ये आपका हो गया लिसन स्लॉट और ये हो गया स्लीप स्लॉट। दो तरीके के स्लॉट हैं। लिसन स्लॉट में नोड लिसन करते हैं, ओके। स्लीपिंग स्लॉट स्लॉट में ओबियसली नाम से पता चल रहा है, नोड स्लीप करेंगे। ओके, सो लिसन स्लीप देन लिसन फिर स्लीप, लिसन स्लीप। और ये जो स्लॉट्स हैं, इनका जो ड्यूरेशन है वो फिक्स होता है, हमेशा सेम रहेगा। तो अगर ये ड्यूरेशन लेट से 5 सेकंड है, लिसन स्लीप का 5-5 सेकंड का है, तो आगे भी लिसन और स्लीप 5-5 सेकंड के ही रहेंगे। ओके, तो ध्यान रखना है ये जो ड्यूरेशन है फिक्स लेंथ के ड्यूरेशन है, वेरिएबल नहीं है। तो ये ट्यूनेबल ड्यूरेशंस हैं, एक बार फिक्स कर दी गई, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने फिक्स कर दी, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही इनको जरूरत पड़ने पर चेंज कर सकता है और कोई नहीं। तो आपके जो पीरियड्स हैं इसमें, वो दो तरीके के हैं, लिसन पीरियड है एंड देन स्लीपिंग पीरियड है। और ये अल्टरनेट सीक्वेंस आता है इनका, लिसन पीरियड आएगा, फिर स्लीप पीरियड आएगा, फिर लिसन पीरियड आएगा, फिर स्लीप पीरियड आएगा, एंड सो ऑन। तो हमने टाइम को टोटल दो तरीके के स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ लेट्स सी अब लिसन पीरियड में क्या होता है। स्लीप पीरियड में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, स्लीप पीरियड में ओब्वियसली नोट स्लीप करते हैं, तो दे विल नॉट लिसन एनीथिंग, है ना, स्लीप मोड में रहेंगे। वो एनर्जी स्लीप मोड मतलब एनर्जी सेविंग मोड जो है नोड्स की, सेंसर नेटवर्क की, नेटवर्क नोड्स की, वो एनर्जी सेविंग मोड में रहेंगे। लिसन मोड में आप देखेंगे तीन चीज़ें लिखी दिखाई दे रही होंगी आपको, सिंक्रोनस, आरटीएस, सीटीएस। ओके, सो वी विल सी दैट आरटीएस सीटीएस क्या है। नाउ सिंक्रोनस जो शेड्यूल है, सिंक्रोनस में एक्चुअली ये एक तरीके का खास पैकेट है जिसमें जिसका इस्तेमाल किया जाता है शेड्यूल को बताने के लिए। सो ये जो प्रोटोकॉल है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का प्रोटोकॉल है। और इसमें क्या करते हैं, हर नोड अपने नेबर्स को क्या करता है, एक शेड्यूल बांटता है। ओके, सो जैसे मान लीजिए एक आपके सेंसर नेटवर्क में चार नोड्स हैं, चार, और ये आपस में एक दूसरे के नेबर्स हैं, ठीक है। एंड लेट से दिस नोड इज बी। नाउ क्या होता, सो सपोज दैट लिसन फेज चल रहा है, लिसन फेज चल रहा है, और लिसन फेज में एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, तो बी क्या कर सकता है, एक सिंक्रोनस पैकेट बनाएगा और ट्रांसमिट कर देगा। और ये सिंक्रोनस पैकेट सबको मिलेगा, इस नोड को भी मिलेगा, इस नोड को भी मिलेगा, और सॉरी इस नोड को भी रिसीव होगा। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आ रहा है जो था, सिंक्रोनस पैकेट का काम क्या है, क्या मतलब है सिंक्रोनस का? मतलब है ये सिंक्रोनाइजेशन का टास्क करते हैं।
तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि ये नोड के अकॉर्डिंग ये नोड अपनी एक्टिविटीज अडेप्ट करेंगे। सो एक्चुअली ये नोड क्या करता है, बी नोड सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए ये लिसन और स्लीप का ड्यूरेशन डिसाइड करके बताता है कि आपको कब लिसन करना है और कब स्लीप करना है। ओके सो इसने क्या किया, इसने टाइम बताया। सो लेट्स से अगर जो इंटरवल है वो 5 सेकंड है, तो लेट्स से टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 टाइम चल रहा था, तो इसने बताया, ये शेड्यूल एक बता देगा कि टी इक्वल टू 2 से 7 तक आपको स्लीप करना है, 2 से 7 टाइम तक स्लीप करना है, एंड देन 7 से 12 तक लिसन करना है, एंड सो ऑन। सो इसने क्या कर दिया, नोड बी ने एक शेड्यूल बता दिया इन नोड्स को कि आपको कब जागना है और कब लेसन करना है। सो इस तरीके से क्या होता है कि नोड जो है ना अपने नेवर्स को एक शेड्यूल बना करके देता है, और वो शेड्यूल में इंफॉर्मेशन होती है कि आपको किस तरीके से जागने और सोने को अल्टरनेट करना है, जागने और सोने की एक्टिविटीज किस तरीके से करना है। सो जो जागने और सोने की जो एक्टिविटीज है वो कहलाती है शेड्यूल। ओके सो बी ने क्या कर दिया, एक शेड्यूल बता दिया। अब ये नोट्स अगर इस बी के की बात सुन रहे हैं या इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये शेड्यूल को फॉलो करेंगे, और इस तरीके से वी विल से दैट कि ये नोड एक क्लस्टर बना लिए हैं। ठीक है, इन नोड का एक क्लस्टर बन गया है। सो इसे हम इसे बोलते हैं वर्चुअल क्लस्टर, वी सी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, वी फॉर वर्चुअल, सी फॉर क्लस्टर। ओके सो ये जो नोड्स हैं तीन, इसने बी के क्लस्टर को ज्वाइन कर लिया है इन तीनों नोड्स ने। अगर ये इनके शेड्यूल को इन्होंने अडेप्ट कर लिया तो इसका मतलब हो गया कि जो नोड बी के क्लस्टर को इन तीनों नोड ने ज्वाइन कर लिया है। ओके और अब ये इसी बी ने जो शेड्यूल बताया उसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे, और इसका मतलब क्या है, बी ने जो टाइम बताया है उसी ड्यूरेशन में जागेंगे, और बी ने जो टाइम इंटरवल बताया है उसके अकॉर्डिंग स्लीप मोड में रहेंगे। तो अब बी को पता रहेगा कि ये नोड कब जागने वाले हैं और कब सोने वाले हैं, और ओब्वियसली बी विल ऑल्सो फॉलो द सेम शेड्यूल, इस शेड्यूल को बी भी फॉलो करेगा। तो इससे क्या हो गया कि अब दो पर्पज सॉल्व हो गए। अगर बी को अपने नेबरहुड में कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करनी है तो हमेशा ये लिसन करने के लिए अवेलेबल रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि जब बी को कुछ ट्रांसमिट करना है और ये सो रहे होंगे, है ना, क्योंकि स्लीपिंग टाइम में कोई भी ट्रांसमिशन कोई भी नहीं करता है, ना तो बी ट्रांसमिशन करेगा ना ये नोड ट्रांसमिशन करेंगे। ट्रांसमिशन कब होगा, जब लिसन पीरियड में होगा, तो जब लिसन पीरियड में तो ये सबके सब लिसन पीरियड में होंगे, और बी उस टाइम पर ट्रांसमिशन कर सकता है। ओके सो अब लिसन पीरियड में देखते हैं ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ट्रांसमिशन के लिए क्या होगा, लेट्स से बी को ट्रांसमिशन करना है, तो आप ध्यान रखना ये जो वर्चुअल क्लस्टर है ये एक दूसरे के कम्युनिकेशन रेंज में है। ओके सो इसका मतलब ये आपस में कंटेंशन में है। कंटेंशन का मतलब जब ये नोड ट्रांसमिट करता है, सपोज ये नोड ये वाला नोड बी को ट्रांसमिशन करना चाहता है, और इसी टाइम पर ये नोड भी बी को ट्रांसमिट करना चाहता है। सो लेट से दिस नोड सी है, तो सी भी बी को ट्रांसमिशन करना चाहता है, लेट से डी नोड, ये डी नोड है, डी भी बी को ट्रांसमिशन करना चाहता है, तो अगर ये दोनों एक साथ ट्रांसमिट कर देंगे बी को तो कोलिजन हो जाएगा, है ना। तो इस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सी टी एस आर टी एस का मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम वर्चुअल कैरियर सेंसिंग बोलते हैं, वर्चुअल कैरियर सेंसिंग। आपको याद होगा ये हमने आई ट्रिपल ई 802.11 प्रोटोकॉल में डिस्कस किया था, है ना। सो वर्चुअल कैरियर सेंसिंग कैसे फॉलो होगी, जब मान लीजिए अब सी को ट्रांसमिशन करना है, और ट्रांसमिशन के लिए डेस्टिनेशन कौन है, बी, तो सी क्या करेगा, सबसे पहले आरटीएस मैसेज भेजेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। सो आरटीएस का मतलब है रिक्वेस्ट टू सेंड, आर टी एस स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट टू सेंड। ओके सो आर टी एस पैकेट बताता है कि सी ट्रांसमिशन करना चाहता है, तो अगर मान लीजिए सी ने डी से पहले आर टी एस मैसेज भेज दिया तो वो आर टी एस मैसेज बी को भी मिलेगा और डी को भी मिलेगा। तो अब डी अगर ट्रांसमिशन करना चाहता था तो डी रुक जाएगा, क्यों रुक जाएगा, क्योंकि मालूम है कि उसे पता चल गया है कि सी ट्रांसमिशन करना चाहता है, तो डी अब मान रहे हैं ऑनेस्ट नोड है तो डी कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा, डी इज एन ऑनेस्ट नोड, सो डी इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर सी। सो आरटीएस ट्रांसमिशन ने अब मान लीजिए आरटीएस बी के पास पहुंच गया,
डी को मालूम है आरटीएस ट्रांसमिशन हुआ है तो डी साइलेंट हो जाएगा। सिमिलरली डी के सी के रेंज में जितने भी नोट्स हैं जो सी को सुन सकते हैं वो सब के सब जब इस मैसेज को आरटीएस को हियर करेंगे तो वो अगर ट्रांसमिशन करने के सोच रहे होंगे तो अपने ट्रांसमिशन के प्रोसेस को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर लेंगे या सस्पेंड मोड में डाल देंगे। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि क्या बी एक्चुअली ट्रांसमिशन लेना रिसीव करना चाहता है। तो अगर बी ट्रांसमिशन रिसीव करना चाहता है तो बी जो है ना सीटीएस मैसेज भेज देगा। सीटीएस का मतलब है क्लियर टू सेंड। तो जब बी सीटीएस मैसेज भेज देगा तो बी के जितने भी नेबर्स हैं इंक्लूडिंग सी एंड डी पता चल जाएगा कि बी जो है ना डेटा रिसीव करने वाला है। तो जब आरटीएस और सीटीएस जो है मैसेज ट्रांसमिशन होता है तो इसमें एक टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया जाता है कि ट्रांसमिशन कितने ड्यूरेशन तक चलेगा। ठीक है, तो आरटीएस और सीटीएस मैसेज में सेम इन्फॉर्मेशन रहेगी कि ट्रांसमिशन कितने ड्यूरेशन तक चलने वाला है एक्सपेक्टेड। ओके, जिसे बोलते हैं नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर बताता है कि ये ट्रांसमिशन कितने समय तक चलेगा तो बाकी के नेवर्स को कितने समय तक साइलेंट रहना है। तो इससे क्या होगा, जब सी टी एस आर टी एस हो जाएगा तो ना तो सी के नेवर्स डिस्टर्ब करेंगे कम्युनिकेशन को ना बी के नेवर्स डिस्टर्ब करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन आसानी से हो जाएगा, कोलिजन नहीं हो पाएगा। ओके, सो इस तरीके से लिसन मोड में नोट्स के बीच में डेटा ट्रांसमिशन होता है। ओके, और अब ओबियसली सी डेटा भेजेगा और फिर बी उसको एक्नॉलेज करेगा। डेटा एक्नॉलेज, डेटा एक्नॉलेज, ये प्रोसेस चलती रहेगी और जब ट्रांसमिशन ओवर हो जाएगा देन दे विल स्टॉप। ओके, और इसके बाद अब डी को ट्रांसमिशन करना है तो डी क्या करेगा, चैनल को जब लिसन फेस आएगा, स्लीप ऑफ फेस आ गया तो डी स्लीप में चला जाएगा। अगर लिसन फेस आ गया तो डी इस बार आरटीएस भेज देगा। ओके, सो दिस इज योर एसमैक प्रोटोकॉल। सो लेट्स मूव अहेड। तो एसमॉक प्रोटोकॉल को अगर समराइज करें तो एसमैक प्रोटोकॉल में जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो मैंने अभी प्रोसेस बताई कि स्लीप और लिसन कब करना है, ये एक शेड्यूल हर नोड अपने नेबर को भेजता है। ओके, और फिर सारे नेबर्स उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है ये कैसा हो रहा है, लोकल हो रहा है, हर नोड केवल अपने नेबर्स को सिंक्रोनाइज कर रहा है। और इस सिंक्रोनाइजेशन में ही बता दिया जाता है कि कब आपको स्लीप करना है, कब लिसन करना है। तो वो पूरा शेड्यूल बता दिया जाता है स्लीपिंग एंड लिसनिंग का, तो सारे नोट्स फिर उसे फॉलो करते हैं। नाउ वन मोर थिंग, नेवर्स जो ना फ्री है वो मोर देन वन क्लस्टर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेवर एक ही क्लस्टर को ज्वाइन करेंगे, तो दैट मीन्स ये भी पॉसिबल है, क्वाइट पॉसिबल है कि 1 मिनट। सो ऐसा पॉसिबल है कि आई एम पुटिंग सम ब्लॉक डॉट्स हियर, डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग नोड्स। ओके, सो कुछ नोड्स ऐसे हो सकते हैं जो दो क्लस्टर्स को फॉलो में बिलोंग कर रहे हैं, वर्चुअल क्लस्टर। ओके, सो एक वर्चुअल क्लस्टर ये है, इसके नोड्स हैं, तो इसके नोड एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं और ये नोड भी इसी वर्चुअल क्लस्टर के शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स से दिस इज कॉल्ड VC1 और ये है VC2। सो आपके जो नोड्स हैं, कुछ नोड्स हो सकता है कि दोनों क्लस्टर्स को फॉलो करें या मोर देन टू क्लस्टर्स के शेड्यूल को फॉलो करें। तो ऑब्वियसली ये जब ये क्लस्टर्स को ज़्यादा फॉलो करेंगे, दो क्लस्टर्स के नोड को वो शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि नोड्स ज़्यादा लिसनिंग मोड में रहेंगे, है ना, क्योंकि इनको इनके अकॉर्डिंग भी लिसनिंग मोड में रहना है, इनके अकॉर्डिंग भी लिसनिंग मोड में रहना है। तो जब मल्टीपल क्लस्टर्स को वो ज्वाइन कर रहे हैं तो फायदा क्या है कि दोनों के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आसानी से, दोनों के साथ सिंक्रोनाइज जाएंगे ये नोड, इन नोड्स के साथ भी सिंक्रोनाइज जाएं, इस क्लस्टर के नोड के साथ भी सिंक्रोनाइज जाएं। लेकिन नुकसान क्या है कि अब इनकी जो जागने का समय है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसका भी शेड्यूल फॉलो करना है, इसका भी शेड्यूल फॉलो करना है ना। लेकिन स्टिल इट इज अलाउड, सो दिस वॉज द, सो इसमें कुछ नहीं है। सारे नोट जब भी एक पैकेट सुनते हैं सिंक्रोनाइजेशन का तो वो उसमें अगर शेड्यूल है तो वो उसे फॉलो करेंगे। हालांकि ये नोड के लिए ऑप्शनल होता है कि वो किस क्लस्टर को ज्वाइन करें। ओके, तो किस कोई नोड चाहता है VC1 को ज्वाइन करें या दूसरा चाहता है नहीं हम दूसरे क्लस्टर को ज्वाइन करेंगे, तो वो ये कर सकता है। और लिसन पीरियड में मैंने आपको बता दिया इसमें कम्युनिकेशन कैसे होगा, लिसन पीरियड में CTS RTS के थ्रू कम्युनिकेशन होता है और जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तो उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भी सेंड किया जाता है।
नाउ एसएमएस एसमैक में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैसेज पासिंग के लिए इस्तेमाल होता है मैसेज पासिंग। तो मैसेज पासिंग का मतलब यह है कि सपोज एक नोड के पास बहुत सारा डेटा है ट्रांसमिशन करने के लिए। सो सपोज ये एक नोड है ए, इसके पास काफ़ी डेटा है जो वो बी को भेजना चाहता है। ओके सो अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा है तो नोड क्या कर सकता है, जब इसने CTS RTS से नेटवर्क का चैनल मिल गया कम्युनिकेशन, तो ये क्या करेगा, नोड अलाउ नोड को परमिशन है कि जितना भी डेटा है वो इसे भेज सकता है। सो जो भी डेटा होगा वो उसे क्या करेगा, पहले मल्टीपल फ्रेम्स में बांटेगा। डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैक प्रोटोकॉल में हमेशा फ्रेम की बात होती है। तो अगर ए के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा है, जैसे हम कई बार कहते हैं वर्स्ट डेटा, वर्स्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं, वर्स्ट में भेजता है, मतलब मल्टीपल ग्रुप्स मल्टीपल पैकेट्स भेजता है, एक साथ ज़्यादा अमाउंट में डेटा भेज रहे हैं। सो इस केस में नोड के पास अगर काफ़ी डेटा है तो नोड मल्टीपल फ्रेम्स बना सकता है, और ये फ्रेम्स बिना किसी दूसरे को चांस दिए हुए बी को ट्रांसमिट कर सकता है। ओके सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रीडी अप्रोच यू कैन से, जब नोड को पास मोर देन वन टू फ्रेम मोर देन वन फ्रेम्स हैं, तो वो एक साथ भी डेटा का ट्रांसमिशन कर सकता है। हालांकि इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा सिस्टम अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि ए को जब मौका मिल गया तो अभी ए अपना काम खत्म कर लेगा, तभी जो ना किसी और को परमिशन मिलेगी। तो ए जितना चाहे उतना डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है। तो जब आप किसी नोड को जितना चाहे उतना डेटा ट्रांसमिशन करने की परमिशन दे दोगे, तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ नोड्स को ज़्यादा समय तक वेट करना पड़ सकता है, और ये चीज़ उनके लिए अनफेयर हो सकती है। तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है प्रोटोकॉल इस केस में, मैसेज पासिंग जो कॉन्सेप्ट है इसके केस में, और नोड को आप वर्स्ट में डेटा भेजने की परमिशन दे रहे हो। वर्स्ट का मतलब होता है एकदम से बहुत सारा डेटा भेजने की परमिशन दे रहे हो, है ना। तो कई एप्लीकेशन जहाँ पर डेटा वर्स्ट में भेजना पड़ता है, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत सूटेबल है। जैसे फायर डिटेक्शन सिस्टम है, जिसमें डेटा अमाउंट आपको जैसे ही फायर डिटेक्ट होती है, आपको बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी डेटा भेजना होता है, वैसे आप हो सकता है डेटा भेज ही नहीं रहे हैं, है ना। तो वैसे नोट्स साइलेंट हैं क्योंकि तो उनके पास डेटा नहीं है, लेकिन सडन इवेंट ऑकर हुई और उसने तुरंत से डेटा भेजना शुरू कर दिया। तो एसमैक प्रोटोकॉल जो है, कई जो इसी टाइप के जो प्रोटोकॉल एप्लीकेशन है जिसमें वर्स्ट अमाउंट ऑफ डेटा भेजना पड़ता है, वर्स्ट में जाता है डेटा। ओके वर्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे साइलेंट पीरियड ज़्यादा है, और डेटा जब ट्रांसमिशन होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन होता है। सो इस केस में एसमैक का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, क्योंकि तो एसमैक जो है वर्स्ट में डेटा ट्रांसमिशन अलाउ करता है। सो ये अच्छी डेटा रेट ऑफर कर सकता है, लेकिन जब वर्स्ट में आप ट्रांसमिशन करते हैं तो पहले एक प्रॉब्लम तो आती है कि ये सिस्टम कभी कभी अनफेयर हो जाता है, और दूसरा का लेट मिल सकता है। और अगर उनको डेटा इमीडिएट ट्रांसमिशन करना हो तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज। हालांकि एक एडवांटेज ये भी है कि आप वर्स्ट में अमाउंट में डेटा ट्रांसमिशन करने की परमिशन दे रहे हैं, तो इस नोड की एनर्जी कम कंज्यूम होगी, क्योंकि मालूम है अगर आप सोचिए कि ये नोड को मान लीजिए 10 फ्रेम ट्रांसमिशन करना है, और आप वर्स्ट में ट्रांसमिशन परमिशन नहीं देते, तो इसको क्या करना पड़ता, 10 टाइम 10 बार RTS CTS करके चैनल ग्रैब करना पड़ता। पहली बार में जब इसने चैनल ग्रैब किया, एक फ्रेम भेज पाता, है ना। फिर अगली फ्रेम भेजने के लिए सब फिर से कंपीट करना पड़ता, और CTS RTS के थ्रू फिर से चैनल ग्रैब करना पड़ता, और फिर एक फ्रेम ट्रांसमिशन करते। तो इस अप्रोच की वजह से क्या होगा कि अगर आप एक बार में एक ही फ्रेम ट्रांसमिशन करने की परमिशन देंगे, तो CTS RTS का ओवरहेड ज़्यादा हो जाता है, और फिर क्या होगा, थ्रोपुट भी कम हो जाएगा सिस्टम का। क्योंकि तो एक फ्रेम के लिए मान लीजिए अगर आपको सपोज एक फ्रेम ट्रांसमिट करने देना है, तो आपको मालूम है एक बार चैनल ग्रैब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CTS भेजना पड़ेगा एक, और फिर RTS भेजना पड़ेगा। एक फ्रेम भेजने के लिए आपको 2 एडिशनल फ्रेम भेजना पड़ेंगे, तो टोटल एक फ्रेम भेजने के लिए आप 3 फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो थ्रोपुट 33% रह गया। तो अगर आप बल्क में फ्रेम ट्रांसमिशन अलाउ करेंगे तो थ्रोपुट ज़्यादा हो सकता है। अब अगर मान लीजिए आपने एक बार में अनलिमिटेड नहीं, लेट से 20 फ्रेम ट्रांसमिशन करने की नोड को परमिशन दे दी, कि एक बार आपको चैनल मिलता है तो आप 20 फ्रेम ट्रांसमिट कर सकते हो कंटिन्यूसली। तो जब आप 20 फ्रेम ट्रांसमिशन कर रहे हो और 20 फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए ओवरहेड फ्रेम आपकी कितनी थी, 2 केवल, CTS RTS, तो टोटल फ्रेम 22 आपने ट्रांसमिट की, लेकिन एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन हुआ आपका 20 फ्रेम्स का, 2 फ्रेम ओवरहेड थी, तो 20 डिवाइडेड बाय 22 ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी रहेगी।
तो वर्स्ट में ट्रांसमिशन से क्या होता है, नेटवर्क का थ्रोपुट बढ़ जाएगा, इसके साथ साथ ओब्वियसली एक ही एनर्जी बच रही है। तो ये जो है अप्रोच दो फायदा दे रही है, एनर्जी कंज्यूमशन में हेल्प रिड्यूस कर रही है, एनर्जी कंज्यूमशन रिड्यूस कर रही है, और दूसरा थ्रोपुट बढ़ा रही है। ओके तो ये जो प्रोटोकॉल है एनर्जी कंज्यूमशन काफ़ी कम कर देता है, सो दैट्स वाई इन दिस केस दिस टर्म ये प्रोटोकॉल काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें क्या है, एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि आपने इसमें परमिशन दे रखी है कि नोड जो है ना मल्टीपल क्लस्टर्स को ज्वाइन कर सकता है, और मल्टीपल क्लस्टर का मतलब हो गया कि वो अलग अलग शेड्यूल फॉलो कर सकता है। तो जब नोड अलग अलग शेड्यूल फॉलो करेगा तो हो सकता है उसके स्लीपिंग शेड्यूल भी बदल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो दोनों को शेड्यूल को फॉलो करके चल रहा है, तो नोड जाग भी ज़्यादा रहा है और वो स्लीपिंग भी कर रहा है। हालांकि इसमें अब एक प्रॉब्लम आएगी कि नोड जब स्लीपिंग हो रही है, अलग अलग क्लस्टर्स के नोड स्लीप कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एक क्लस्टर ये है और ये नेबरिंग क्लस्टर ये है, इनके स्लीपिंग और नोड लिसनिंग के शेड्यूल अलग अलग हैं। ओके तो अब मान लीजिए यहाँ पे एक सेंसर है, इसने फायर डिटेक्ट की, ओके और इसने फायर डिटेक्ट की तो इसने अपने नए नेबर सेंसर को डेटा भेज दिया है इमीडिएटली। तो ये पॉसिबल क्यों, क्योंकि दोनों नोड जाग रहे थे, क्योंकि दोनों का शेड्यूल सेम है। लेकिन इस जब क्लस्टर से डेटा जाना है तो इस क्लस्टर का शेड्यूल अलग हो सकता है, जब ये जाग रहा है ये नोड स्लीप में है ना, तो जब तक ये जाग नहीं जाएगा डेटा यहाँ नहीं जाएगा, आगे नहीं पहुँचेगा। और आपको मालूम है कि इसमें नेटवर्क में कैसा ट्रांसमिशन होता है, मल्टी हॉप। अब ये हो सकता है कि मान लीजिए पैकेट अब यहाँ आ गया और यहाँ से अब मान लीजिए यहाँ आ गया, सो जब इसके पास पैकेट आएगा तो ये दोनों एक साथ जाग रहे होंगे, तो यहाँ कोई जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सेम क्लस्टर है। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ से अगला एक और क्लस्टर पड़ता है, तो अगेन हो सकता है कि यहाँ का जो नेबर है और ये दोनों का स्लीपिंग टाइम अलग अलग हो, ये जाग रहा है उस समय ये सो रहा है ये वाला, तो ये पैकेट यहाँ नहीं जा पाएगा। कब जाएगा, जब ये भी जाग जाएगा और इसको जगे रहना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसको भेजेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जब इनमें स्लीपिंग शेड्यूल में मिसमैच हो रहा है तो आपके नेटवर्क में लेटेंसी बढ़ सकती है और आपके बेस स्टेशन पर डेटा पहुँचने में टाइम लग सकता है, तो ये एक इशू है। ओके तो इस इशू का लोगों ने सॉल्यूशन निकाला है, यू विल सी दैट। इसका जो सॉल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया कि जब अलग अलग क्लस्टर्स का शेड्यूल अलग अलग है तो नोड स्लीप में वो जा सकते हैं, है ना, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि नोड नोड का शेड्यूल अडेप्टिव हो सकता है। तो अडेप्टिव का मतलब ये है कि जब नोड लेट्स से ये जो नोड है और ये जो नोड है ये नेबर है, ये दोनों नेबर हैं और इनका शेड्यूल मिसमैच कर रहा है। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जब इस नोड को डेटा ट्रांसमिशन करना हो, ये नोड लिसनिंग मोड में है, जब ये नोड लिसनिंग मोड में है तो आप इस नोड को भी लिसनिंग मोड में ना जाने दें, दैट मीन्स इसके शेड्यूल को थोड़ा सा अडेप्टिव बना दें। जब ये नोड लिसनिंग ट्रांसमिशन करना चाहता है या लिसनिंग मोड में है, जब तक ये लिसनिंग मोड में है इसने कोई पैकेट सी टी एस आर टी एस कर रहा है सपोज ये नोड, और ये उस समय जाग रहा है। ओके जब ये सी टी एस आर टी एस कर रहा है और ये जाग रहा है तो इसे सोने नहीं दिया जाएगा, ये नोड दिस नोड कैन नॉट गो इन टू द स्लीप। तो अगर इसने सी टी एस आर टी एस किया है तो इस नोड के स्लीपिंग को हम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देंगे। तो लोगों ने इस प्रॉब्लम को के लिए एक सॉल्यूशन निकाला, इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है जब इसके पास ट्रैफिक था ही नहीं तब ये हो सकता इसे जगाएगा ही, ये जागेगा ही नहीं, ये जब ये नोड सी टी एस आर टी एस कर रहा होता है तभी ये नोड अपना स्लीपिंग शेड्यूल अवॉइड करता है, मतलब उसको टाल करके जागे रहता है। लेकिन जब इसके पास सी टी एस आर टी एस नहीं हो रहा है, इस नोड के पास कोई भी सी टी एस पैकेट नहीं है या आर टी एस पैकेट नहीं है, तो ये नोड आराम से जाके सो सकता है। हाँ एक मॉडिफिकेशन जरूर कर दिया, अगर ये नोड सी टी एस या आर टी एस कर रहा है तो ये नोड कुछ देर के लिए अपने शेड्यूल को पोस्टपोन कर देगा, जागता रहेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, कुछ टाइम के लिए ये नोड अवेलेबल रहेगा और स्लीप में नहीं जाएगा। सो कुछ इम्प्रूवमेंट आपको इससे मिल सकता है अडैप्टिव शेड्यूल बनाने से, स्टिल दिस प्रॉब्लम विल बी देयर। ओके नाउ इसके बाद एक जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है इसी कैटेगरी में, जैसे बोलते हैं टाइम आउट मैक, टी मैक। सो टी मैक प्रोटोकॉल थोड़ा सा अलग तरीके का प्रोटोकॉल है, टी मैक में टी टाइम आउट है। ओके सो इस प्रोटोकॉल का आइडिया बहुत सिंपल है, क्या है कि इसमें
नोड इनिशियली सपोज एक ये जो नोड है, ए नोड है, अवेकनिंग अवेकन स्टेज में है नाउ। ये जो ओब्वियसली आप मान, आप जानते हैं कि सेंसर नेटवर्क क्या करता है, किसी इवेंट को मॉनिटर करता है। सो अब मान लीजिए जो नोड ए है, ये जागते जागते इसने एक टाइम स्पेंड कर लिया, टी ए टाइम, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड टाइम निकल गया इसे जागते जागते, और तब तक कोई भी इवेंट ऑकर नहीं हुई। तो क्योंकि थ्रेशोल्ड टाइम तक कोई भी इवेंट ऑकर नहीं हुआ, तो ये नोड स्लीप नोड में जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एक आपने एक थ्रेशोल्ड पीरियड डिसाइड कर लिया, तो सॉरी यहाँ इसे टीपी बोल रहे हैं, आई एम रेफरिंग ए टीपी, तो इसे टीपी ही बात ले करके चलते हैं, टीए नहीं। तो टीपी एक थ्रेशोल्ड पीरियड है, तो उस टाइम तक अगर नोड कोई भी एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं करता है, कोई भी इवेंट ऑब्जर्व नहीं करता है, तो नोड क्या करेगा, टीपी टाइम बाद स्लीप मोड में चला जाएगा, और फिर एक फिक्स टाइम तक स्लीप स्लीप मोड में रहेगा, और स्लीप मोड के बाद फिर से वो जागेगा, और जागने के बाद फिर से देखेगा कि टी ए टाइम तक जागता रहेगा। टी ए टाइम तक अगर इवेंट ऑकर होगी तो उसका डेटा गैदर करेगा और फिर ट्रांसमिट कर देगा, अदरवाइज फिर से स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल में जो है नोड क्या करता है कि टीपी टाइम तक जागे रहता है। ठीक है, इसमें फिक्स नहीं है कि आपको तुरंत सो जाना है, एक शेड्यूल नहीं बनाया इसमें, फिक्स शेड्यूल नहीं है। तो ये एक्चुअली ऐसे प्रोटोकॉल्स जो इवेंट ड्रिवन प्रोटोकॉल्स हैं उनके लिए अच्छा है। तो अगर कोई इवेंट ऑकर हो रही है तो ये उसका वेट कर रहा है, और देखा इसने कि टीए टाइम तक कोई भी इवेंट ऑकर नहीं, तो सो जाएगा, और इसके बाद एक डीप टाइम तक सोएगा एंड देन फिर जाग जाएगा, और फिर देखेगा कि टीए टाइम तक लिसनिंग करता रहेगा अपना एंटीना ऑन करके, और टीए टाइम तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई तो फिर स्लीप में चला जाएगा। उसके बाद एक स्लीप के बाद फिर से जागेगा फिक्स इंटरवल बाद, और फिर से टीए टाइम तक फिर से लिसनिंग करेगा। अगर टीए टाइम होने से पहले अगर कोई इवेंट ऑकर हो जाती है, इवेंट ऑकर हो गई, तो फिर ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन कर देगा उसके इवेंट के डेटा को। तो बहुत सिंपल है आइडिया इसका। नाउ इस नोड को जब ट्रांसमिशन करना होता है यहाँ भी, तब भी वो सी टी एस आर टी एस का ही मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, ध्यान रखना। तो मान लेट से ये जो नोड ए है, इसने कोई इवेंट ऑब्जर्व की, और इवेंट ऑब्जर्व करने के बाद अब ये क्या करेगा, मल्टी होप ट्रांसमिशन होता है, मल्टी होप ट्रांसमिशन होता है। तो ये नोड क्या करेगा, सी टी एस करेगा पहले, सॉरी आर टी एस करेगा, तो आर टी एस से क्या होगा, इस नोड के सारे नेवर्स को पता चल जाएगा कि नोड ए ट्रांसमिशन करना चाहता है, तो कोई भी नेवर डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन नोड इसका जो नेवर होगा, लेट से बी है, जिसको ये पैकेट देना चाहता है, तो बी जो है ना क्या करेगा, बी अगर पैकेट रिसीव करना चाहता है तो बी सी टी एस कर देगा। तो सी टी एस पैकेट ए के पास भी आएगा और बी के नेवर्स के पास भी आएगा। तो बी के नेवर के पास जब सी टी एस आएगा, तो कोई भी नेवर बी का ट्रांसमिशन करने की सोच भी रहा होगा, तो उस प्लान को वो ड्रॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि तो इसने मालूम है कि इस ड्यूरेशन तक ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है, ए ट्रांसमिट करेगा और बी रिसीव करेगा। तो जब भी नोड ट्रांसमिशन करेंगे तो उनके बीच में ट्रांसमिशन सी टी एस आर टी एस से ही होगा। तो सी टी एस आर टी एस मैकेनिज्म क्या करता है, कॉलिजन अवॉइड कर देता है। ठीक है, सो ये आपका है टी मैक प्रोटोकॉल। तो टी मैक प्रोटोकॉल का आइडिया बहुत सिंपल है। ठीक है, सो इसमें आप देखेंगे, इसमें भी कंटिन्यूस लिसन स्लीप वो है। अगर आप देखें इसका पूरा नोड का शेड्यूल, तो आप देखेंगे पहले लिसन शेड्यूल है, लिसन के बाद स्लीप है, वे देन लिसन है, देन स्लीप है। तो टाइम को आपने प्रीवियस जो प्रोटोकॉल था उसी की तरह से डिवाइड कर दिया लिसन स्लीप में। लेकिन जब नोड लिसन में है तो वो क्या करेगा, टीपी टाइम तक, यहाँ एक टीपी टाइम रहेगा, तो टीपी टाइम तक अगर वो देखता है कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो नोड स्लीप मोड में चला जाता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये टाइम आपका टीपी टाइम हो गया, लिसन वाला टीपी टाइम तक उसने लिसन किया, अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं तो स्लीप मोड में चला जाता है। ठीक है, तो टीपी टाइम तक जागा, फिर सो गया, फिर टीपी टाइम तक जागा, फिर सो गया, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये प्रोटोकॉल जो है एक कॉन्स्टेंट डेटा रेट सपोर्ट कर सकता है। तो हालांकि इसमें डेटा रेट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि नोड को ये जो प्रोटोकॉल है वर्स्ट जो मैसेज मैकेनिज्म जो आपके स्मैक में था वो अलाउ नहीं करता है। तो इसमें जो डेटा रेट है वो कम ऑफर होती है, और एनर्जी सेविंग काफ़ी मॉडरेट है, हालांकि एसमैक की एनर्जी सेविंग ज़्यादा है।
तो ये दो आपके प्रोटोकॉल है, डीमैक एंड एफलैग। नाउ आपका इस कैटेगरी में जो प्रोटोकॉल है शेड्यूल बेस्ड प्रोटोकॉल, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मैं इसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो इस कैटेगरी में जो प्रोटोकॉल है वो है लीच। तो लीच प्रोटोकॉल इसका एक एग्जाम्पल है, और आपको मालूम है हम लीच जो है डिस्कस करते हैं, तो आप लीच प्रोटोकॉल को पढ़ लेंगे, मैं अलग से दोबारा से इस प्रोटोकॉल को डिस्कस। तो इस कैटेगरी में हमने दो प्रोटोकॉल डिस्कस किए, एफमैक एंड डीमैक एंड लीच। तो ये तो था हमारा ब्रीफ डिस्कशन ऑन मैक प्रोटोकॉल। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि कोई क्वेरी है।